एक समय की बात है, दो भाई रहा करते थे। उनमें से एक इग्नात बहुत अमीर था और दूसरा कुज्मा बहुत ही गरीब था। उसके पास सिर्फ एक ही घोड़ा था, लेकिन फिर भी उसे खुद पर नाज था, क्योंकि वो एक चतुर बेटी का लालन पालन कर रहा था। सुप्रभात। प्यारी पलिग्या, मेरे प्यारे घोड़े, हमारा पालन करता। कुछ नहीं है। और यहाँ क्या हो रहा है, कहाँ है? अगर आटा नहीं है तो दोपहर का भोजन कैसे बनेगा? पिताजी, हमारे पास ना आटा है ना नमक। हमें शहर जाना चाहिए। आपको अपने भाई से गाड़ी उधार लेनी चाहिए। पकड़ो इसे, पकड़ो, पैर पकड़ो इसके, पकड़ो इसे। वो गलत हिस्सा है, दूसरा ट्राई करो। तुम मुझे मत सिखाओ मुझे क्या ट्राई करना। पकड़ लिया। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? शहर के बाजार में नमक और आटा लेने। मैं चाहता हूँ मैं अपनी गाड़ी ले जाऊँ नमक और आटा लेने। चलो एक काम करते हैं, दोनों साथ में शहर की तरफ जाते हैं। साथ में से क्या मतलब? साथ में से मतलब मेरी गाड़ी और तुम्हारा घोड़ा। अच्छा, तो चलो चलते हैं। ये सब इतना सामान। और एक पोटली ला। चलो यार चलते हैं। ठीक है चलो। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? लेकिन एक पत्थर ने धोखा दे दिया और लकड़ी का पहिया टूट कर निकल गया, और इसीलिए वो दोनों भाई शहर नहीं पहुंच पाए थे और उन्हें खेत में रात बितानी पड़ी थी। हे भगवान, मैं कितना खुश नसीब हूँ। भाई उठिए, देखिए, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। क्या हो गया ये सब? वाह, ये क्या, मेरी गाड़ी में एक घोड़े का बच्चा था। ये क्या कह रहे हो इग्नात? अच्छा, ये बछड़ा है ना? ये कैसे हो सकता? आराम से, ये गाड़ी किसकी है? तुम्हारी है। और बछड़ा कहाँ है? गाड़ी के नीचे। इसीलिए तो क्या हुआ? ये बछड़ा इस गाड़ी का है। ये हमेशा घोड़े का बच्चा होता है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये गाड़ी का है। ये कैसे संभव है? हाँ, ये मेरा बछड़ा है। ये मेरा है। मेरा है, मेरा है, मेरा है। तो फिर चलो दरबार में फैसला करते हैं। आओ चलो। अरे क्या तुमने वो फैसला सुना? कि मस्त था। हमारे निर्णय को सुनिए। सारे सबूतों, गवाहों और हमारे देश के कानून को मद्देनजर रखते हुए हमें यह फैसला सुनाना पड़ेगा। हमारे मुवक्किल यहाँ पर खड़े हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि उनका बछड़ा है और दूसरी तरफ वो दूसरे कहते हैं ये उनका बछड़ा है। तो अब पता लगाया जाए कि ये बछड़ा है किसका। बताइए हमारे मुवक्किल, यहाँ पर आके अपनी सफाई पेश कीजिए और सच्चाई बताइए हमें कि
ये बछड़ा मेरे मुवक्किल इगनाथ का है और ये बछड़ा उसे ही मिलना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? एक बच्चे को उसकी माँ से जुदा करके कहते हो वो तुम्हारा है? कैसा दरबार है ये? क्या यही है तुम्हारा न्याय? क्या यही है तुम्हारी सच्चाई? लानत है तुम सब पर जो भी है। चुप हो जाओ। ये क्या है? तुम जानते हो इसका क्या परिणाम होगा? तुम्हारा सर धड़ से अलग हो सकता है। तो हमने ही फैसला किया कि ये बछड़ा किसका होने वाला है। चुप हो जाओ। ये टिसार का आदेश है कि जो भी पहेली को सुलझाएगा ये बछड़ा उसी का होगा। तीन पहेलियां महाराज। तुम्हें सुलझानी होगी तीन पहेलियां। तो ये रही पहली पहेली। हाँ, तो पहली पहेली है, पृथ्वी पर सबसे मोटी चीज क्या है? और इस पृथ्वी पर सबसे तेज क्या है? हाँ, और सबसे नर्म क्या है? अब जान में जाना है। इसके लिए तुम्हारे पास कल तक का टाइम है। क्या जवाब है? क्या जवाब है? निकल यहां से। सोच के देखो। सबसे तेज क्या है और सबसे मोटा? ओ पहल गया, मैं सच में नहीं जानता। कल एक नया दिन होगा। जो जागत है सो पावत है। उठो, जार इंतजार कर रहा है। मुझे उसकी पहेलियों का जवाब मिल गया। तो क्या तुमने पहेलियां हल कर ली? हो महाराज, बिल्कुल कर ली है। तो फिर चलो बताओ, धरती पर सबसे मोटा क्या है? महाराज, आपकी शाही महिमा है सबसे मोटी। और पृथ्वी पर सबसे तेज क्या है? पृथ्वी पर सबसे तेज शाही महिमा का घोड़ा है। और तीसरी पहेली क्या थी? पृथ्वी पर सबसे नर्म क्या है? आपका पंख वाला बिस्तर महाराज। अच्छा, और तुम्हारा जवाब क्या है? महाराज, सबसे नर्म है आपका हाथ। तकिया कितना भी नर्म हो आप हाथ नीचे रखते हैं। और इस पृथ्वी पर सबसे तेज चीज है आपके विचार महाराज। ओह, क्या कहा, विचार है? और मोटी चीज मिट्टी है। सुनो तुमने। क्या कहा, मिट्टी? खा उसे। और सबसे मोटी चीज मिट्टी है क्योंकि वो हमें खाने के लिए खाना देती है, हमें जन्म देती है, और आपकी मेज पर जो भी रखा है वो धरती से दिया गया उपहार है। क्या तुमने ये सब खुद सोचा है? नहीं, वो मेरी बेटी ने बताया। क्या, बेटी ने? हाँ, इतनी सी है। बिल्कुल। अगर वो इतनी ही होशियार है तो उसे शाही दरबार में आना होगा, लेकिन एक शर्त है। घोड़े पर? ना ही वो यहाँ घोड़े पर आए और ना ही पैदल। और ना ही कपड़े पहने हो और ना ही नग्न हो। और क्या होना चाहिए, मुझे सोचने दो। और ना ही उपहार के साथ और ना ही बिना उपहार के। हमें एक चिड़िया चाहिए। ये सब क्या है? अरे चिलू चिलू, देखो क्या हो गया। चिलू चिलू, देखो। अरे अरे, मारा जब भी चिलू, क्या हो रही है? समझ में
क्यों है ये? मेरी बेटी है। तो जैसा कि उसे कहा गया था, ना ही पैदल आए, ना ही घोड़े पर, ना ही नग्न आए, ना ही कपड़े पहनकर, और ना ही उपहार के साथ आए, ना ही बिना उपहार के। ये आपके लिए है। एक उपहार के साथ भी और इसके और उपहार के बिना भी। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। इतनी छोटी सी बात से इसने जार को भी मात दे दिया। ये बच्ची इतनी छोटी है लेकिन कितनी अकलमंद है। मैं होशियार हूँ, लेकिन आप पिता जार, हो सकता है आप भी गाड़ी से पैदा हुए हो। क्या आप नहीं जानते कि बछड़े को किसने जन्म दिया? ये आपके लिए शर्म की बात है। फिर से न्याय कीजिए। ओए महाराज, महाराज मुझ पर रहम करिए, महाराज रहम करिए मुझ। अच्छा तो तुम ये ले लो। हाँ देखो, यही है जीवन देने वाली गाड़ी। और उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। वो बछड़ा कुसुमा को सौंप दिया गया और हमारे न्यायाधीश को अस्तबल की देखभाल में लगा दिया गया। और इसी तरह इस कहानी से हमें यह सीख मिली है कि सच्चाई की झूठ पर हमेशा विजय होती है।